अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लर्निंग खबर। मैं हम इसमें तुम्हारा, अगर आप न्यू आईफोन यूज़र हैं तो आपके लिए आज मैं कुछ बहुत ही कमाल की कैमरा सेटिंग लेकर आया हूं, जिससे आप अपने आईफोन को DSLR जैसा बहुत ही अच्छा, क्योंकि आमतौर पे न्यू आईफोन यूज़र को आईफोन का कैमरा यूज़ करना नहीं आता, तो इस मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं आज आपको आईफोन के कैमरे की ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे आप अपने आईफोन से DSLR जैसी तस्वीरें ले सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो ये हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैमरा की सेटिंग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग में आके यहाँ पे स्क्रॉल करके हम यहाँ से कैमरा ओपन कर लेंगे। ये कैमरा की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जो सेटिंग वो है फॉर्मेट, ठीक है। आपने यहाँ पर जो फॉर्मेट रखना है वो हाई एफिशेंसी में रखना है, ठीक है। इसके बाद एप्पल प्रो रॉ, ठीक है, इसको आपने एनेबल करके रखना है एक बार, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। रिकॉर्ड वीडियो में आपको, अगर आप के पास कैमरा वगैरह है, कैमरा स्टैंड है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप करेंगे यूज़ 4K at 25 FPS पैल, ठीक है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आप व्लॉगर हैं या मोबाइल आपका, ठीक है, किसी एक जगह पर स्टेबल नहीं है, तो आप पैल का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शो पैल फॉर्मेट, ठीक है, आपने इसको भी एनेबल कर लेना है। HDR वीडियो, आपने इसको भी एनेबल कर लेना है, ठीक है। इसमें बाय करेंगे, इसके बाद स्लोमो में आ जाएंगे, तो आपने ये यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास कोई अच्छा इफेक्ट है, बैक पे ग्रीनरी वगैरह है, तो आप 120 भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 240 यूज़ करेंगे ये स्लोमो में, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे प्रिजर्व सेटिंग में कैमरा की। आपने यहाँ पर कैमरा मोड, ठीक है, प्रिजर्व द लास्ट मोड सच एज वीडियो रेदर देन ऑटोमेटिकली, ये वो मोड है जहाँ पे आप अपनी किसी भी फिल्टर को या किसी भी मतलब मोड में छोड़ेंगे, जब दूसरी मरतबा ऑन करेंगे तो आपको वही, अगर कैमरा मोड आपका फ़ोटो पे था तो फोटो